ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल, और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 24 दिसंबर 2018, सोमवार का दिन है, पौष मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है, पुनर्वसु नक्षत्र है, मिथुन राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश आपको पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण में अपना मुंह देख करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या फिर नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव धनु राशि में, चंद्रमा मिथुन राशि में, मंगल मीन राशि में, बुध वृश्चिक राशि में, गुरु वृश्चिक राशि में, शुक्र तुला राशि में, शनि धनु राशि में, राहु कर्क और केतु मकर राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष मिथुन सिंह तुला और धनु ये 5 लकी राशियां रहने वाली है। इन 5 राशि वालों को बड़ा फायदा होने वाला है। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताएंगे। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। जोखिम भरे कामों में सफलता मिलने का योग है, आपके सारे काम भी पूरे होंगे। संतान है तो आज आप उसके साथ व्यस्त रहेंगे, दोस्तों और साथियों के साथ लंबी बातचीत होगी, ज्यादातर समय दोस्तों के साथ व्यतीत होगा। दोस्तों के बहुत से काम आपकी वजह से संपन्न होंगे, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करेंगे। पुराना काम निपटाने और नया काम शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। किस्मत और समय आपके पक्ष में रहेगा। आज किसी काम में उलट फेर होने के कारण आपको ज्यादा फायदा होगा। आज आपको अपनी कोशिशों का फल तुरंत ही मिल पाएगा, और उपाय के रूप में यदि लाल फूल अपने साथ रखेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आज आपको जो है कार्यक्षेत्र में सहयोग और सफलता मिलने का पूरा योग है। आपको किए गए कामों से धन लाभ होगा, चाहे आपकी इच्छा प्रमोशन की हो या कंपनी बदलने की हो। आज इन मामलों से संबंधित आपकी कोई भी इच्छा पूरी होने की भरपूर संभावना है। आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी दावा करें उसके लिए खुद पर भरोसा रखें। जरूरी कागजात साथ होना चाहिए। सामाजिक संबंधों में सुधार होगा, पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी, आपका समय ज्यादा कीमती रहेगा, धन लाभ होगा। आज आप दुश्मनों पर भारी रहेंगे, नौकरी में प्रगति होगी, दोस्त आपको कुछ सलाह देंगे। आज पैसों और परिवार को लेकर के आपकी सोच सही रहेगी। संतान से सुख और आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, और विदेश में बसे लोगों से फायदा होगा। विवाह का प्रस्ताव आज आपका प्राप्त हो सकता है। उपाय के रूप में आज आप बेसन से बनी मिठाई यदि पानी में डालेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। आप जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं उससे आपको किस्मत का साथ मिलेगा, आपके साथ सब कुछ ठीक होगा। नौकरी में पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं, कामकाज बढ़ सकता है और दिन आपके लिए अच्छा है। जो लोग करियर आदि के हिसाब से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है उनसे आपका संपर्क बढ़ेगा। आपको नए मौके मिल सकते हैं और आने वाले समय में आप प्रगति करने में सफल हो सकते हैं। आज आप पुरानी बातों को भुला करके आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे, आप सकारात्मक होने की कोशिश कर सकते हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं, किस्मत का साथ और धन लाभ होगा। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी और पुरानी समस्याएं और हताशा भी दूर होगी। उपाय के रूप में कोई भी फल खा करके यदि आप घर से निकलते हैं तो आपका दिन अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। पैसों के निवेश के बारे में आपके विचार बार बार आते रहेंगे, आप निवेश करेंगे या करने का मौका भी आपको मिल सकता है। अपने दायरे को बढ़ाने के लिए समय अच्छा है, ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जिनसे आप शायद पहले कभी नहीं मिले थे। उन स्थानों की भी यात्रा होगी जहां पर आप कभी भी नहीं गए थे। कुछ नया प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई नई बात सीखने को आप मिलेगी। आज कुछ सुखद घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली है। अपना व्यवहार सकारात्मक रखें, लोग आपकी तारीफ करेंगे, उसका असर आपके काम पर भी पड़ेगा। और उपाय के रूप में अपने इष्ट देवता को या अपने घर के देवी देवताओं को प्रणाम करके यदि आप घर से निकलेंगे तो आप अति उत्तम फल को प्राप्त कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, रोजमर्रा के कामकाज से आपको धन लाभ होगा,
प्रेम के क्षेत्र में आपके लिए अच्छा लाभ होगा। आपके सामने आने वाले लगभग हर विषय की तरह तक आप बिल्कुल आसानी से पहुंच जाएंगे। आपको पैसों की स्थिति में सुधार करने के कुछ अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। कुछ महत्वपूर्ण काम करने की जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अपने मन की बात कहने में संकोच न करें। प्रेमी या जीवन साथी से भी आप जो है अच्छा व्यवहार रखेंगे और उनके साथ घूमने फिरने भी जा सकते हैं। आपने हाल ही में जो मेहनत की है उसका नतीजा भी आपको मिल सकता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको फायदा मिलेगा। नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है और उपाय के रूप में गुड़ यदि आप खाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कार्यक्षेत्र के लिए आपको आज कोई योजना बनानी पड़ सकती है। कामकाज ज़्यादा रहेगा लेकिन मेहनत भी रहेगी और काम भी हो जाएंगे। अपने नज़दीकी लोगों के साथ आपके संबंध मजबूत करने का प्रयास करें। आज आपको एक नई शुरुआत करने का अवसर भी मिलेगा। कुछ दोस्तों और साथियों के साथ मिल करके ऑफिस में छोटा सा उलटफेर करने के बारे में मन आप बना सकते हैं। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो आज आप सफल हो सकते हैं। पुराने समय में आपने किसी की जो मदद की होगी उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। कई चीज़ें आपके सामने आ सकती है और सभी लोग आपके लिए मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे। और उपाय के रूप में यदि आप हरी सब्जी खाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। सोचे हुए काम एक बार में शुरू हो जाएंगे तो आपको संकोच भी दूर हो जाएगा। जीवन साथी से कोई उपहार मिलेगा, प्रेम बढ़ेगा और प्रेम के क्षेत्र में अच्छी शुरुआत हो सकती है। भविष्य को लेकर के मन में उठते सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे। जो भी नया विचार आप कर रहे हैं या शुरू करने जा रहे हैं उस पर एक बार पुनः विचार करें, उसके बाद ही आगे बढ़े। अपनी योजना में छोटा मोटा परिवर्तन आपको करना पड़ सकता है। अचानक धन लाभ होगा, रोगों से छुटकारा आपको प्राप्त होगा। बिजनेस से संबंधित कोई यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। आपके काम की तारीफ होगी, नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। नौकरी में तरक्की होगी, कार्यक्षेत्र आपका बढ़ सकता है। और उपाय के रूप में यदि किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दूध का दान करेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपने जो किया है वह अचानक महत्वपूर्ण हो सकता है। सकारात्मक नजरिया आपके लिए मददगार साबित होगा। रोमांस के कुछ सुखद अवसर भी आज आपको मिल सकते हैं। हर परिस्थिति में आपके लिए दूसरे लोगों की मदद मिलेगी और कुल मिलाकर के दिन चुनौतियों के बावजूद आसानी से व्यतीत हो जाएगा। कोई ऐसा संदेश आपको मिलेगा जिसके कारण बहुत खुशी होगी और मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी में प्रदर्शन आपका बेहतर होगा। पैसों के काम से छोटी यात्रा आपको करनी पड़ेगी और उपाय के रूप में देवी जी के मंदिर में यदि आप पान चढ़ाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। घर परिवार और ऑफिस में आप जिम्मेदारी वाले काम निपटा लेंगे। कोई बड़ा फैसला भी आज आप ले सकते हैं। पैसों से जुड़ा कोई खास काम पूरा होने का योग है। परिवार में एकजुटता रखें। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। संतान से खुशी का समाचार आपको मिल सकता है। नौकरी बदलने का मन भी आप बना सकते हैं। साथ ही आपको भाइयों और दोस्तों से भी भरपूर मदद प्राप्त होगी। आपके बनाए हुए कुछ प्लान सफल हो सकते हैं। साथ काम करने वाले कुछ लोग महत्वपूर्ण कामों में सफल हो सकते हैं। साथ ही आज आपको कोई नए लोगों से मुलाकात होगी जिनके कारण आपको लाभ होगा। यात्रा होगी, यात्रा से आपको फायदा भी होगा। उपाय के रूप में बेसन से बनी मिठाई यदि आप विष्णु जी को चढ़ा करके प्रसाद बांटेंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। कोई अच्छा मौका आपको मिल सकता है। आप ऐसा काम कर देंगे जिससे आने वाले दिनों में आपको बड़ा फायदा होगा। आज होने वाली हर सौदेबाजी, बातचीत और इंटरव्यू आखिरी में आपके फेवर में रहेंगे। धन लाभ होगा, जटिल मामलों का जो है अच्छा समाधान भी आपको मिल जाएगा। बस अपना रवैया लचीला और दिमाग खुला रखें। आपको किसी मोर्चे पर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी। कोई व्यक्ति आपको ठगने की कोशिश कर सकता है, इसका एहसास भी आपको हो जाएगा। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना होगा। और उपाय के रूप में शंकर जी के मंदिर में कच्चा दूध और बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। घर और ऑफिस दोनों स्थान पर आपकी मांग और जरूरत होगी। अपने महत्व के काम पर ध्यान रखें। आपको जो भी आशंका है वह तो जो है निराधार रहेगी और समय के साथ आप जो है परिवर्तन करने के लिए भी जागरूक रहेंगे। पैसों से जुड़े कुछ मामलों पर विचार करना होगा। पिता से भरपूर मदद मिलेगी, आपके काम पूरे हो जाएंगे। दोस्तों और भाइयों से भी मदद मिलेगी। कार्यस्थल पर आपको साथियों से सहयोग प्राप्त होगा। जमीन जायदाद के मामलों में फायदा होगा। पुराना पैसा कहीं अटका हुआ है तो वह आज आपको मिल जाएगा।
कर्ज से निपटने के लिए सहयोग और रास्ता भी आपको प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में यदि हनुमान जी के मंदिर में सरसों का तेल यदि आप दान कर देंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कोई बड़ा बदलाव भी आपके जीवन में हो सकता है। सोच समझ करके व्यवहार करना आपके लिए कारगर साबित होगा। आपके साथ होने वाली कुछ घटनाओं का पूर्वाभास आपको हो जाएगा। धार्मिक कामकाज में खर्चा होगा और समय भी लगेगा। नजदीकी लोगों से आपको मदद मिल जाएगी। प्रेम के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। दिखावा करने से बचे। किसी बात योजना या काम के लिए सहमत होने के लिए आप पर आसपास की कोई व्यक्ति जो है दबाव बना सकता है, इसलिए सावधान रहे, बच कर के रहे। और उपाय के रूप में पीला फूल यदि आप घर के मंदिर में चढ़ाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ साबित होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।